रांची स्थित पुराना विधानसभा विधायक क्लब में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य भी मौजूद रहे। वही संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और इसलिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक बार फिर झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकसित प्रदेश बनाना भी हमारा लक्ष्य है। इस तरह की योजना अंतिम समय में ही शुरू लाया गया और क्या सरकार के पास इन योजनाओं को उतारने के लिए धन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब प्रश्न जनता के बीच में है और मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया है तो सफलता की गारंटी उसको लेनी पड़ेगी। सर मुख्य एजेंडा क्या होगा जब विधानसभा चुनाव में आप लोग जाएंगे? यहाँ पर दोबारा एनडीए की सरकार बनाना, विकासशील राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लाना। झारखंड खनिज प्रबुद्ध प्रदेश है, बिहार का अपना सहोदर भाई है, तो इस भाई को भी हाथ पकड़ के आगे ले जाना, ये हम सबकी जवाबदेही है और जिम्मेवारी है। पहले भी हमारे पार्टी के जहाँ विधायक मंत्री होते रहे आज पार्टी के इसके बाद भी और पीछे से पहले भी अपने साथियों से चुनाव को लेकर के डिस्कस किया और आगे एक महीना पार्टी का कार्यक्रम चलेगा और उनकी जरूर इच्छा है पार्टी की एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। बातचीत भी हम लोग चल रही है, इसका यू ही जस्ट शुरुआत है, आगे जो भी इसमें बात आएगी आप लोग भी जानकारी देते। रांची स्थित पुराना विधानसभा विधायक क्लब में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य भी मौजूद रहे। वही संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और इसलिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक बार फिर झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकसित प्रदेश बनाना भी हमारा लक्ष्य है। इस तरह की योजना अंतिम समय में ही शुरू लाया गया और क्या सरकार के पास इन योजनाओं को उतारने के लिए धन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब प्रश्न जनता के बीच में है और मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया है तो सफलता की गारंटी उसको लेनी पड़ेगी। सर मुख्य एजेंडा क्या होगा जब विधानसभा चुनाव में आप लोग जाएंगे? यहाँ पर दोबारा एनडीए की सरकार बनाना, विकासशील राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लाना। झारखंड खनिज प्रबुद्ध प्रदेश है, बिहार का अपना सहोदर भाई है, तो इस भाई को भी हाथ पकड़ के आगे ले जाना, ये हम सबकी जवाबदेही है और जिम्मेवारी है। और हमारे नेता सत्ता पार्टी है तब से झारखंड में उनका एक बड़ा आधार रहा, रेल मंत्री के झारखंड में रहा। पहले भी हमारे पार्टी के जहाँ विधायक मंत्री होते रहे
पार्टी के बीच उसके बाद भी और मीटिंग से पहले भी अपने साथियों से चुनाव को लेकर के डिस्कस किया और आगे महिला पार्टी का कार्यक्रम चलेगा और उनकी जरूर इच्छा है पार्टी की एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े बातचीत भी हम लोग चल रही है इसका यूपी शुरुआत है आगे यूपी इसके बाद आएगी आप लोग भी जानकारी रांची स्थित पुराना विधानसभा विधायक क्लब में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य भी मौजूद रहे। वही संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और इसलिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक बार फिर झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकसित प्रदेश बनाना भी हमारा लक्ष्य है। इस तरह की योजना अंतिम समय में ही चला है और क्या सरकार के पास इन योजनाओं को उतारने की धन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब प्रश्न जनता के बीच में है और मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया है तो सफलता की गारंटी उनको लेनी पड़ेगी। सर मुख्य एजेंडा क्या होगा जब विधानसभा चुनाव में आप लोग जाएंगे? यहाँ पर दोबारा एनडीए की सरकार बनाना, विकासशील राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लाना। झारखंड खनिज प्रबुद्ध प्रदेश है, बिहार का अपना सहोदर भाई है, तो इस भाई को भी हाथ पकड़ के आगे ले जाना, ये हम सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से जब से सत्ता पार्टी है तब से झारखंड में उनका एक बड़ा आधार रहा, रेल मंत्री के साथ बड़ा काम झारखंड में रहा। पहले भी हमारे पार्टी के यहाँ विधायक मंत्री होते रहे आज पार्टी के उसके बाद भी और मीटिंग से पहले भी अपने साथियों से चुनाव को लेकर के डिस्कस किया और आगे महिला पार्टी का कार्यक्रम चलेगा और उनकी जरूर इच्छा है पार्टी की एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े बातचीत भी हम लोग चल रही है इसका यूपी शुरुआत है आगे यूपी इसके बाद आएगी आप लोग भी जानकारी। रांची स्थित पुराना विधानसभा विधायक क्लब में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य भी मौजूद रहे। वही संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू का झारखंड में एक बड़ा जनाधार है और इसलिए पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक बार फिर झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकसित प्रदेश बनाना भी हमारा लक्ष्य है। इस तरह की योजना अंतिम समय में ही चला है और क्या सरकार के पास इन योजनाओं को उतारने की धन उपलब्ध है कि नहीं, ये सब प्रश्न जनता के बीच में है और मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया है तो सफलता की गारंटी उनको लेनी पड़ेगी। सर मुख्य एजेंडा क्या होगा जब विधानसभा चुनाव में आप लोग जाएंगे? यहाँ पर दोबारा एनडीए की सरकार बनाना, विकासशील राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लाना। झारखंड खनिज प्रबुद्ध प्रदेश है, बिहार का अपना सहोदर भाई है, तो इस भाई को भी हाथ पकड़ के आगे ले जाना, ये हम सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से जब से सत्ता पार्टी है तब से झारखंड में उनका एक बड़ा आधार रहा, रेल मंत्री के साथ बड़ा काम
समर्थन में रहा। पहले भी हमारे पार्टी के यहाँ विधायक मंत्री होते रहे हैं, आज पार्टी के लोग इसके बाद भी और बीजेपी से पहले भी अपने साथियों से चुनाव को लेकर के डिस्कस किए हैं और आगे महिला पार्टी का कार्यक्रम चलेगा और उनकी जरूर इच्छा है पार्टी की एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। बातचीत की हम लोग चल रही है, इसका यूनी शुरुआत है, आगे यूपी इसमें बात आएगी आप लोग को जानकारी।